आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी एंड इट्स एप्लीकेशंस। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में, ये एमएससी प्रीवियस के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। तो टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया था कि टैक्सोनॉमी इज़ द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, वैरायटीज ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है। जब उन स्पीसीज का इंडिविजुअल पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन किया जाए, यानी कि उस स्पीसीज की पहचान की जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए यानी कि उसका वर्गीकरण किया जाए, या फिर नोमेनक्लेचर किया जाए यानी उस ऑर्गेनिज्म को कोई स्पेसिफिक जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सोनॉमी इज द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करें हम मॉलिक्यूलर की, मॉलिक्यूलर की बात करें तो हम मोल बायो के बारे में देखते हैं। अब आप बोलोगे कि मोल बायो का तो टैक्सोनॉमी से क्या रिलेशन, मोल बायो में तो हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर डाटा के बारे में पढ़ते हैं और टैक्सोनॉमी में हम किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे मोल बायो यानी मॉलिकुलर का मतलब है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियर डाटा यानी कि न्यूक्लियर डाटा के बेसिस पे जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन करें, नोमेनक्लेचर करें या फिर उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता करे, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। यानी कि द यूज ऑफ द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का यूज करना, जेनेटिक्स या फिर हम कह सकते हैं डाटा, मॉलिक्यूलर डाटा, कैसे डाटा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड, उनके बारे में। यानी कि द यूज ऑफ द मॉलिक्यूलर डाटा टू स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज। मॉलिक्यूलर डाटा का यूज़ करके किसी स्पीसीज का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानना ही मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब हम बात करें मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी की, तो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी की हेल्प से हम किसी माइन्यूट लेवल पे, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफरेंशिएटेड इन ए वेरी माइन्यूट लेवल, माइन्यूट यानी छोटे से छोटा लेवल, यानी छोटे से छोटा लेवल, बेस पेयर तक का लेवल पे भी हम किसी स्पीसीज को, किसी दो स्पीसीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोई डिफरेंट स्पीसीज का मेंबर है, ये कोई डिफरेंट स्पीसीज का मेंबर है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि हमने दो डीएनए लिया, एक स्पीसीज फर्स्ट का डीएनए, एक स्पीसीज सेकंड का डीएनए। स्पीसीज वन के बेस पेयर देखें तो बेस पेयर हमें पता है चार होते हैं, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो स्पीसीज वन का देखें तो ए टी सी जी ए टी जी सी ए। अब इसे स्पीसीज सेकंड से कंपेयर करें, एडिनिन एडिनिन, थायमिन थायमिन, साइटोसिन साइटोसिन, ग्वेनिन ग्वेनिन, एडिनिन एडिनिन, थायमिन थायमिन, ग्वेनिन साइटोसिन। यहाँ तो देखो क्या आया, ग्वेनिन, और यहाँ क्या आया, साइटोसिन। तो आया ना एक बेस पेयर का डिफरेंस। तो इस एक बेस पेयर के डिफरेंस यानी कि एक माइन्यूट लेवल पे भी डिफरेंस हम देख सकते हैं और दो स्पीसीज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के बेसिस पे। हायर ग्रेटर डिफरेंस मोर डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने ही ज़्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे ऑर्गेनिज्म, यानी कि उतने ही डिसिमिलर होंगे ऑर्गेनिज्म आपस में। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी की, तो टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी होती है, माइक्रो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी और मैक्रो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। माइक्रो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में हम स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एल्केलॉइड, फ्री अमीनो एसिड और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। और मैक्रो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी की बात करें तो उसमें हम डीएनए, आरएनए, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी को पास्ट टाइम में इतना नहीं माना जाता था क्योंकि पास्ट टाइम में हम जो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर करते थे वो मॉर्फोलॉजी के बेस पे करते थे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे या फिर उसकी एनाटॉमी देख के, एनाटॉमी के बेसिस पे करते थे। लेकिन मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का यूज़ हम मॉडर्न एरा में करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो कंप्यूटर है वो आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए हार्डवेयर्स अपडेट हो रहे हैं, रोज़ सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं
उस नए नए मॉलिकुलर टेक्निक्स आ रही है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ रही है जिससे हम देख रहे हैं कि बहुत ही माइन्यूट लेवल पे भी स्पीसीज को हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। इसलिए मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी को पास्ट एरा से में ज़्यादा नहीं हो के आजकल के मॉडर्न एरा में ज़्यादा यूज़ किया जा। अब बात करें हम टूल्स ऑफ मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी की, मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी में काम आने वाले टूल्स की। तो सबसे पहला है PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सेकंड है मॉलिकुलर मार्कर्स, फिर है DNA फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक मार्कर्स, DNA बार कोडिंग, ये कुछ टूल्स हैं जो हम मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी में यूज़ करते हैं। अब एक साइंटिस्ट आए थे कार्ल वूज ने 1970 में आर्किया को डिस्कवर किया था और 1990 में उन्होंने 16SRRNA यानी RNA की जो स्मॉल सब यूनिट थी उसमें जो 16SRRNA था उसको उसने यूज़ किया था फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ थ्री डोमेन सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर क्लासिफिकेशन के लिए कार्ल वूज ने 1990 में 16SRRNA का यूज़ किया था और इन्होंने 1970 में RK को डिस्कवर। अब बात करें हम एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी, एप्लीकेशंस या फिर मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी के हम एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। सो एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी, स्टेबलाइज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको स्टेबलाइज करना, इंडिविजुअल्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको स्टेबलाइज करने में मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी हेल्पफुल है। कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्रीज अमंग इंडिविजुअल्स, फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाना इंडिविजुअल्स के बीच में, आइडेंटिफाइंग पैथोजन और वायरसेस का पता लगाना, प्रिडिक्शन अबाउट इमर्जिंग डिजीज यानी कि जो आने वाली डिजीजेस है उनका भी हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। जब हम पैथोजन और वायरस को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम जो इमर्जिंग डिजीज है उनके बारे में भी हम आइडिया लगा सकते हैं। प्रिपेयर वैक्सीन्स और ड्रग्स और वैक्सीन्स का प्रिपरेशन करना, इसका फार्मास्यूटिकल साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट। हेल्प इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन इन ए सिक्वेंशियल मैनर यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन की जो स्टडी है वो एक सिक्वेंशियल मैनर में, एक सिक्वेंस में हम कर सकते हैं मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी के थ्रू। यूज इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल कैरेक्टर्स की हेल्प से जो टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्डर्स ऑफ बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके कि किस बर्ड में कितना एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता होगा, किस बर्ड के ऑर्गन में फर्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड आया होगा, लेटर कौन से ऑर्गन में गया होगा, ऐसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी डिफरेंट बर्ड्स में हमने देखा था किसके बेसिस पे, एस्कॉर्बिक एसिड पे, यानी एस्कॉर्बिक एसिड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके डिफरेंट बर्ड के ऑर्डर्स में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हमने देखा था। जैसे कि हम बात करें कुछ बर्ड्स में जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो किडनी में प्रोड्यूस होता था, कुछ बर्ड्स में लीवर में, और कई ऐसे बर्ड्स थे जिसमें लीवर में भी और किडनी में भी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता था, और कई बर्ड ऐसे थे जिसमें ना तो किडनी में और ना ही लीवर में एस्कॉर्बिक एसिड पाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि द एंसेस्ट्रल एंजाइम सिस्टम, जो एंसेस्ट्रल एंजाइम सिस्टम था, एंसेस्ट्रल एंजाइम इन्वॉल्व्ड अकर्ड फर्स्ट इन किडनी, यानी कि एंसेस्ट्रल एंजाइम सिस्टम सबसे पहले किडनी में अकर हुआ था, फिर वो लेटर ट्रांसफ़र हो गया था लीवर में, और फाइनली कुछ पेसेरियन बर्ड्स में वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका था। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी के। डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी की, ज़रूरी तो नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी के भी सारे एडवांटेजेस भी हो, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि डिसएडवांटेज में देखें तो मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी में होमोप्लेसी और होमोलॉजी के बारे में नहीं बताया गया, होमोप्लेसी और होमोलॉजी के बारे में मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी में करेक्ट आइडिया नहीं दिया गया। अब होमोलॉजी और होमोप्लेसी होती क्या है, होमोलॉजी की बात करें तो होमो इसे याद रखना सिमिलर, होमो यानी सिमिलर यानी कि सेम स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शन डिफरेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे इंडिविजुअल्स जिसकी स्ट्रक्चर तो सेम है
स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है. होमो यानी सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन इज डिफरेंट. एग्जांपल की बात करें तो मान लो जैसे कोई, ये तीन एग्जांपल हमने लिया, ये बैट है, ये पॉर्पोइज है और ये हॉर्स है. इसमें भी देखो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, डिजिट्स, ये बोन्स पाई जाती है. पॉर्पोइज में भी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और डिजिट्स पाई जाती है और हॉर्स में भी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और डिजिट्स, ये चार बोन पाई जाती है. लेकिन क्या कहा, होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम. स्ट्रक्चर तो सेम हो गई यानी कि चारों बोन की स्ट्रक्चर तीनों एग्जांपल्स में सेम है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है. बैट किस काम में लेता है, बैट उड़ना, फ्लाई है ना. पॉर्पोइज तैरने के काम में लेता है, तैरना यानी स्विम करना, और हॉर्स चलना या दौड़ना. यानी कि स्ट्रक्चर तो तीनों की सेम है, बोन चारों सेम है पांचों तीनों में लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है. होमोलोगस यानी स्ट्रक्चर सेम एंड फंक्शन इज सिमिलर. ट्रेट्स का अपीयरेंस ड्यू टू कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन के कारण सिमिलर ट्रेट्स का अपीयरेंस बट नॉट कॉमन एंसेस्ट्री. कॉमन एंसेस्टर नहीं बल्कि सिमिलर ट्रेट्स का अपीयरेंस कॉमन फंक्शन के कारण होमोप्लेसी कहलाता है. इसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कह सकते हैं. होमोप्लेसी का एक हम एग्जाम्पल लेके चले तो मान लो ये कोई स्पीसीज ए थी, एंसेस्टर स्पीसीज थी, एंसेस्टर स्पीसीज इससे इवॉल्व हुई. फाइलोजेनेटिक ट्री जब हम देखते हैं बी और सी, मान लो इस एंसेस्टर के पास 5 डिजिट्स थे यानी कि 5 फिंगर्स थे और इससे जो इवॉल्व हुई स्पीसीज इसके पास 6 डिजिट्स थे यानी कि इसके पास 5 और इसके पास 6 यानी कि इससे जो इवॉल्व हुई उससे एक एक्स्ट्रा फिंगर यानी कि एंसेस्टर के सेम नहीं, एंसेस्टर के अलावा जब कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ जाए प्रोजेनी में, फाइलोजेनेटिक ट्री जब हम बनाते हैं तब देखते हैं, उसे कहते हैं हम होमोप्लेसी. यानी अपीयरेंस ऑफ द सिमिलर ट्रेट ड्यू टू कॉमन फंक्शन. फंक्शन सेम है, ये भी डिजिट्स है, ये भी डिजिट्स है, इनका काम भी वही है जो इनका काम है, दोनों सेम डिजिट्स है लेकिन नॉट कॉमन एंसेस्टर. एंसेस्टर से अलग है ये जो कैरेक्टर है क्योंकि इसमें सिर्फ 5 डिजिट्स थी ए में और इस बी में 6 डिजिट है, इसे हम कहते हैं होमोप्लेसी. तो ये दो डिसएडवांटेज थी जिसके बारे में मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में नहीं बता पाया था. तो बेसिकली मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में हम मॉलिक्यूलर डाटा यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर डाटा के बेस पे जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता करें, आइडेंटिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन करें, नॉमेनक्लेचर करें, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी. ये में 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है.